Question is, a 0.5 kg particle is moving along x axis from x 5 meter to x 17.2 meter. 5 meter to x is equal to 17.2 meter. हाँ सर, और मास है 0.5 केजी. ठीक है. और फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड रेट 200 बाय 2x प्लस x क्यूब. फोर्स इज अप्लाइड 200 बाय x 2x प्लस x क्यूब. 2x प्लस ऑफ x क्यूब. हाँ सर, ये फोर्स है. हाँ सर, हाँ सर. अब आपको वर्क डन निकालना है. यस सर. अच्छा सर, इसमें लॉग वगैरह आ जा रहे हैं सर, तभी दिक्कत आ रही है. हाँ, इसमें तो लॉग आएगा, इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता नहीं होगा अभी. यस सर, वो आंसर में भी लॉग दे रखा है. आंसर में तो लॉग ही आएगा, बिकॉज़ इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो थोड़ा कठिन सा इंटीग्रेशन है, और ये अभी आपने करा नहीं होगा सर, तो ये बाद में करेंगे ना. हाँ, मतलब इस तरह के इंटीग्रेशन आपका फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा ही नहीं होगा, तो अभी इसको रहने दो. ओके क्योंकि सर. इसमें इंटीग्रेशन मेरे को सिखाना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है सर. ठीक है, तो इसलिए इसको रहने ही दो. वो जब हम इंटीग्रेशन वगैरह की चीज देख लेंगे तो फिर हम इस तरह के क्वेश्चन का भी देखेंगे. हाँ तायरा, तुम्हारा क्या डाउट है? सर, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6. पढ़ो क्वेश्चन. Two masses, 1 kg and 2 kg, are moving with kinetic energy. What is the ratio of the magnitude of their moment? Kinetic energy से चल रही है. वैसे तो अभी हमने kinetic energy पढ़ा नहीं है, but याद रखो kinetic energy और momentum का एक relation होता है. वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो हम आज पढ़ेंगे. वैसे तो kinetic energy जो होती है वो half mv square होती है. ये तो काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन होता है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, वेयर पी इज मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इज बेसिकली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो अगर आपको दोनों पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पता है तो मोमेंटम का रेशियो निकाला जा सकता है. एक काम करो, ये आज हम पढ़ेंगे, आज हम काइनेटिक एनर्जी ही पढ़ेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी जब मैं करवा दूं आपको, तो क्वेश्चन के टाइम में मुझे ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देना, ताकि मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दोबारा करवा दूं. ठीक है, तो बेसिकली अभी हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ही, क्योंकि हमने कल तक काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ा था. तो टॉपिक का नाम लिखिए, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी अब देखिए सर, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप ये समझिए कि बेसिकली एनर्जी, एनर्जी होती क्या है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो पहली बात तो एनर्जी क्या होती है, इस बात को समझो. तो एनर्जी की बेसिक मीनिंग होती है बेटा कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क. मतलब किसी की भी कैपेसिटी, कैपेसिटी क्षमता किसी भी वर्क को करने की, कि वो कितना वर्क कर सकता है, ज्यादा कर सकता है या कम कर सकता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स एनर्जी. और डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं ना, कि भाई वो बहुत एनर्जेटिक है, वो बहुत ज्यादा तेज भाग लेता है, बहुत एनर्जेटिक है, या वो बहुत ज्यादा काम कर लेता है, या पूरे दिन वो बहुत ज्यादा काम करता है, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है. तो एनर्जी इज बेसिकली द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. आप कितना वर्क करते हो वो डायरेक्टली आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. तो मोर इज द एनर्जी, मोर वर्क यू विल परफॉर्म. ऑब्वियसली अगर कोई बंदा बीमार है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में वो वर्क नहीं कर पाता. लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल फिट फाट है ना, बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, तो वो ज्यादा काम कर सकता है. तो जितना ज्यादा काम कर सकता है उतनी ज्यादा एनर्जी. अब इस एनर्जी को बेसिकली हम, कई सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, बट इस एनर्जी के केस में जो हम एनर्जी पढ़ेंगे वो उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी. जो हम क्लास 11th के इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी. पहली बात तो ये कि एनर्जी, वो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क. अब इसमें बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है ना, जैसे आपकी मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ अ डाइपोल होती है. तो बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म्स है, हीट एनर्जी. लेकिन हम सारी एनर्जी अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले. हम इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी. तो पहले तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क. कैपेसिटी टू परफॉर्म
वर्क, इसको हम एनर्जी कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई, कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। अब इस एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ टू एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब द एनर्जी, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एनर्जीज, वन इज पोटेंशियल एंड अनदर वन इज काइनेटिक। ठीक है, पहले हम काइनेटिक पढ़ेंगे, तो मैं पहले काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, ये सब नाम सुना होगा आपने क्लास 9th में, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का जो सम है, दिस सम इज बेसिकली कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी सिंपली हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स मोशन, है ना, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है कि एनर्जी, किसी भी बॉडी की एनर्जी, या तो उसके पोजीशन के कारण, मतलब ड्यू टू इट्स पोजीशन, और ड्यू टू इट्स कन्फ्यूगरेशन, मतलब हाउ द बॉडी इज मेड। ठीक है, कन्फ्यूगरेशन का मतलब ये होता है कि वो बॉडी का लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशन कैसा है। ठीक है, उस या तो कन्फ्यूगरेशन के वजह से उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, या उसकी पोजीशन की वजह से जो उस बॉडी की एनर्जी है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अब इसमें पहले तो दो बातें समझो, एनर्जी पोजेस्ड बाय पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, और एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो पहली बात तो पोजीशन के टर्म्स में मैं एक एनर्जी का नाम लेता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यू मे हैव हर्ड दिस नेम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में क्यों होती है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पता तो आप ऐसे समझें कि मान लो बच्चे, अगर ये अर्थ है और किसी बॉडी को मैंने यहां पर रखा, तो इट विल हैव सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना सुना होगा ना, m into g into h, आपने शायद ये टर्म सुना होगा, है ना। अगर इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर दूं बच्चे और कहीं यहां रख दूं, इफ आई प्लेस द बॉडी समवेयर हियर एट अ डिफरेंट हाइट, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। ये मान लो h डैश है, ये h है, तो यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी mg h डैश, ये 9th में सुना होगा आपने, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आ रही है। ठीक है, वो क्यों आ रही है? बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये जो बॉडी है या पार्टिकल है, उसके पोजीशन के वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, क्यों है वो तो अभी हम बात करेंगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। भाई सिंपल सी बात है ना, कि इस बॉडी को अगर आप h डैश हाइट पे रखा होगा आपने, या h डैश पे नहीं बल्कि h हाइट पे रखा होगा आपने, तो आपने कुछ वर्क किया होगा ना इस बॉडी को इस हाइट पे पहुंचाने में, तो ड्यू टू दैट दिस बॉडी इज पोसेसिंग एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क किया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि दिस एनर्जी इज पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या एनर्जी होती है? आप लोगों ने स्प्रिंग का नाम सुना होगा, आपने देखा होगा कि स्प्रिंग की एक लेंथ होती है जिसको हम नेचुरल लेंथ कहते हैं। ठीक है, मान लो कि एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ है मान लो 1 मीटर। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को पकड़ के पुल करना शुरू कर दूं, ऐसा समझो स्प्रिंग को पकड़ के पुल करूं, सच दैट स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड, स्प्रिंग इलोंगेट हो जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने उस स्प्रिंग के कन्फ्यूग्रेशन को चेंज कर दिया। नहीं आई बात समझ में? भाई ये स्प्रिंग ऐसे थी और आपने इसको पकड़ के ऐसा स्ट्रेच कर दिया, मतलब यू हैव चेंज द कन्फ्यूग्रेशन। तो ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ कन्फ्यूग्रेशन यू मस्ट हैव डन सम वर्क ऑन द स्प्रिंग। भाई आपने कुछ वर्क किया होगा ना स्प्रिंग पे, तभी तो उसके कन्फ्यूग्रेशन को आप चेंज कर रहे हो। बिकॉज आपने देखा होगा बेटे कि द मोमेंट यू विल रिलीज द स्प्रिंग, जैसे ही आप फोर्स हटा दोगे, रिलीज कर दोगे स्प्रिंग को, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि स्प्रिंग विल गेट बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ अगेन। तो इसका मतलब है कि आप जब उसको नेचुरल लेंथ उसकी चेंज कर रहे हो, तो यू मस्ट बी परफॉर्मिंग सम वर्क ऑन द स्प्रिंग, और वही वर्क उसके पोटेंशियल एनर्जी का कॉज बनता है। और ये क्यों बन रहा है? बिकॉज यू आर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस स्प्रिंग। समझ में आ रही मेरी बात? तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी के दो जो फॉर्म हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे होते हैं, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नॉट ओनली ऑफ स्प्रिंग, ऑफ एनी जनरल बॉडी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, बट वो पोटेंशियल एनर्जी हम अभी नहीं पढ़ने वाले। हम यहाँ पर दो ही तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, एक वो एनर्जी
जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने पर जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में, और दूसरी एनर्जी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग के इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट स्प्रिंग को या तो स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस करने में जो वर्क हम करते हैं स्प्रिंग पर, वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये सारी बातें मैं और भी फर्दर डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग दिस पोटेंशियल एनर्जी, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता चुका हूं कि दो तरह से आप किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। एक तो यह है कि आप उस बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दें, या दूसरा यह है कि उस बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दें। आइदर यू चेंज द पोजीशन और यू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन को चेंज करने का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराना शुरू कर दें, और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने का मतलब है कि उसके शेप को चेंज कर दें। तो इन बोथ द केसेस जो बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें हम कौन कौन सी दो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। वैसे ये नहीं है कि दो ही टाइप होती है पोटेंशियल एनर्जी की, बट हम पढ़ने वाले दो हैं। एक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी जो पोटेंशियल एनर्जी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी के और भी फॉर्म होते हैं, बट हम जो पढ़ेंगे वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने। ME मतलब मैकेनिकल एनर्जी, तो इन सबको नोट कर लो, फिर हम वन बाय वन चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। सर ओके, तो टॉपिक डालिए काइनेटिक एनर्जी। जो पहली एनर्जी जो अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम लिखिए काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ जी कुछ कह रही हैं। चलो, पहली बात तो मैंने आपको ये बता दिया है कि द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब भी बॉडी मोशन में होगी, मतलब जब भी मूव कर रही होगी, तो उसके अंदर एक एनर्जी होगी जिसका नाम होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाउ विल यू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव कर लेते हैं। सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि बॉडी में अगर मोशन है तो बॉडी के अंदर एक एनर्जी होगी और उस एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी है। नाउ द पॉइंट इज कि हाउ टू फाइंड दिस काइनेटिक एनर्जी। तो दो केसेस है, दो तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव कर सकते हैं। एक केस हम ये मान के कर सकते हैं कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉन्स्टेंट, और दूसरा केस हम ये मान के कर सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज वेरिएबल। तो चाहे फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कांस्टेंट हो या फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वेरिएबल हो, व्हाटएवर बी द फोर्स, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम ही आएगा सर। अच्छा तारा, जल्दी लिखो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला विल बी सेम, डजंट मैटर कि वेदर द फोर्स इज वेरिएबल और फोर्स इज कांस्टेंट। डन सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए सर। काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहली बात मान लीजिए बच्चे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो एंड दिस बॉडी इज एट रेस्ट। इस पे आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया एंड बॉडी का मास इज इक्वल टू m इज द मास। तो जब आप एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे बॉडी पे, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, तो इस केस में ऑब्वियस ही बात है कि बेटा कि फोर्स लगाते ही बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी अगर फोर्स अनबैलेंस्ड है तो। ठीक है, मतलब बॉडी एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट करेगा तो इट्स वेलोसिटी विल चेंज। मान लो कि इट्स वेलोसिटी बिकम्स v आफ्टर सम टाइम, ठीक है, द मास इज स्टिल m। याद रखना, मैंने नाम लिया वेलोसिटी का, बट व्हाइल राइटिंग द काइनेटिक एनर्जी आई विल बी ओनली टेकिंग द मैग्नीट्यूड एंड नॉट द डायरेक्शन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने वर्ड बोला वेलोसिटी, देखो फोर्स लगाया तो मैंने बोला कि वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। बट जब सर आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हो ना, काइनेटिक एनर्जी लिखते हो, तो काइनेटिक एनर्जी के केस में
काइनेटिक एनर्जी के केस में आप एक बात याद रखिएगा कि वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वी ओनली हैव टू कंसीडर द मैग्नीट्यूड. ठीक है, जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, मान लो कि मैं आपसे ये कहता हूं कि ये कोई दीवार है, वॉल है. ठीक है इशिका, ये मान लो बच्चे कि ये कोई वॉल है, इस पे अगर ये कोई पार्टिकल आए और जाके टकराए, ठीक है, मान लो वी वेलोसिटी से जाके यहाँ पर टकराता है. ठीक है, मान लीजिए कि ये वी वेलोसिटी से पार्टिकल जाके टकराता है और वी वेलोसिटी से रिटर्न होता है. तो मुझे एक बात बताओ, इसका मैग्नेट, इसका मोमेंटम चेंज हुआ या नहीं हुआ? यस सर, ऑब्वियसली मोमेंटम चेंज हुआ, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज चेंज्ड, और मोमेंटम में हम मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं. ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं बोलूं, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ तो आइडिया होगा ही ना कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वही हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं. तो काइनेटिक एनर्जी के अगर बारे में मैं बोलूं, तो काइनेटिक एनर्जी में मैं कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी हैज नॉट चेंज्ड, द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. अब कहोगे सर अभी तो वेलोसिटी बोल रहे थे, याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी के केस में भले हम वेलोसिटी वेलोसिटी रखते रहते हैं, बट याद रहे कि दैट इज ओनली द मैग्नीट्यूड. इसका मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि व्हाइल राइटिंग द काइनेटिक एनर्जी वी राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड नॉट इट्स डायरेक्शन. तो इसीलिए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है, बट बॉडी के मोमेंटम में चेंज आया है. क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो चलिए सर, तो ऑलवेज रिमेंबर वी जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हाइल राइटिंग द काइनेटिक एनर्जी. एनीवेज, तो इसकी जो स्पीड है वो पहले जीरो थी, अब वी हो गई. तो सर ये यहां से यहां स्पीड चेंज होने में, ड्यूरिंग दिस चेंज, इस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा बेटे, कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, और इस फोर्स ने इस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने में कुछ वर्क भी किया होगा. सबको मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो कि ड्यूरिंग दिस चेंज बॉडी हैज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो इस बॉडी को इस डिस्टेंस मूव कराने में दिस फोर्स मस्ट हैव डन सम वर्क ऑन दिस बॉडी, तभी यह बॉडी इस डिस्टेंस कवर किया इसने. तो इस केस में वर्क निकालने के लिए बेटे हमें ये पता है कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड आउट दिस एस इन टर्म्स ऑफ वी. तो हमें बच्चे ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ टू एस. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू की वैल्यू तो सर जीरो है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं सर, कोई कष्ट वाली बात नहीं है. तो यहां से हम एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं सर, वी स्क्वायर बाय टू एस. इज इट क्लियर? Tell me yes or no. Yes, sir. यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. या तो आप acceleration को ऐसे लिख लो, या acceleration की value रख के s को ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है. देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, v square is equal to 2f by m multiplied by s. आपको जो find करना है वो find कर लो, s find कर लो चाहे. तो ये कितना हो जाएगा, mv square divided by 2f. Is it clear to all? Please tell me. Acceleration को मैं force by mass लिख सकता हूँ बेटा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो बस कुछ नहीं करना है. तो वर्क डन अगर मैं निकालूंगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स विच इज एफ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट एस, विच कैन बी रिटन एज एफ मल्टीप्लाइड बाय एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एफ. अनडाउटेडली एफ गोज बाय एफ, है ना. ये जो वर्क आपने बॉडी पे किया है टू चेंज इट्स वेलोसिटी, यही वर्क बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी. नहीं आई बात समझ में? द वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग दिस बॉडी एंड चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, ये जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया, वही वर्क बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. मतलब वर्क डन इज एग्जैक्टली, इन दिस केस इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी रिटन एज इक्वल टू हाफ इनटू एमवी का स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. आर यू कन्विंस्ड विद दिस? एनी डाउट? नो सर, नो डाउट. तो आप याद रखिए कि जब भी आप बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करते हैं या वेलोसिटी को चेंज करते हैं, तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स विल डू सम वर्क ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. तो यही जो वर्क होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. एक बात याद रखो कि बच्चे सारा जो वर्क है ना, सारा का सारा वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही यूज होगा, ये जरूरी नहीं है.
वो पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज कर सकता है, बट यहाँ पर मैं बॉडी की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप कहोगे सर पोजीशन तो चेंज कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, बट ग्रेविटी के अगेंस्ट में चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी, कंफ्यूज मत होना। वर्क सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वर्क हर फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हो पिक्चर में। यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने कहा कि वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली। सबने नोट कर लिया? ठीक है, अभी ये जो फोर्स हमने लिया था वो कांस्टेंट था। अब एक और टाइम पास चीज कर लेते हैं, क्योंकि आपके बुक्स में दिया होता है, जल्दी से करते हैं। अगर फोर्स वेरिएबल हो, फॉर वेरिएबल फोर्स, अगर कोई फोर्स वेरिएबल हो, फॉर वेरिएबल फोर्स, और मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, फिर से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फोर्स अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल हो या कॉन्स्टेंट हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है, बट चूंकि हमसे कहा है तो चलो वेरिएबल के लिए भी काम कर लेते हैं, समझ रहे? तो आपको याद होगा कि वेरिएबल फोर्स के केस में हम वर्क डन कैसे लिखते हैं, एफ इंटू डी एक्स या डी एस जो भी कह लो आप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले, कि फोर्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। यस सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज वी डी वी बाय डी एक्स, इफ यू रिमेम्बर। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो टाइम के टर्म्स में dv by dt, और एक्सेलरेशन को अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखना हो तो vdv by ds। याद आया? एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं बच्चे, a is equal to dv by dt and also a is equal to vdv by dx। ठीक है, हम दोनों तरह से एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, बट हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका हमें यूज हो। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर जो है vdv by dx यूज कर रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ कोई कह रहा है? dv by dx नहीं, vdv by dx। ये कैसे? ये काइनेमेटिक्स में सिखाया गया था। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसको अगर हम dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dx by dt मल्टीप्लाइड बाई dv by dx, और dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी होती है, तो a is equal to vdv by dx लिख सकते हैं। yes, sir. ठीक है, वही काइनेमेटिक्स में जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया एक्सेलरेशन का, वही यूज कर रहा हूँ बच्चे। तो यहां से dx and dx gets cancelled out, तो dw is equal to कितना आ गया? dw is equal to m into v into dv। अब मान लो कि if u is equal to initial velocity is equal to 0 and final velocity is equal to v, मान लो, और इसको मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, dw का इंटीग्रेशन इज मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो vdv कहां से कहां तक? 0 से v। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड। अब ये जो वर्क है बेटा, वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो वर्क की जगह मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, इसको इंटीग्रेट करूंगा वी स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक? 0 से v। तो काइनेटिक एनर्जी m, अपर लिमिट v स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट v में पुट करो 0, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर्ड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इफ द फोर्स इज वेरिएबल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो फोर्स, उससे कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी तो इन ऑल केसेस इट विल बी हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया सर। दिस ओके, डन सर। सर अभी आपने बोला कि हम काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हैं सर, तो हम सर उसे स्पीड ही क्यों नहीं बोलते डेफिनेशन में भी? हाँ, the actual term that we should use is speed only. इसको हमें speed ही कहना चाहिए, but generally straight line में speed और velocity दोनों same चीज़ है। Okay sir. तो क्योंकि straight line पे अगर body चल रही है ना बेटे,
तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड का दोनों का मतलब सेम होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सर हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब आते हैं इस बात पे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो पहली बात तो ऑब्वियस है कि सर क्यों इसकी बात मैं कर रहा हूं, तो पॉइंट तो ऑब्वियस ये है सर कि जब भी हमारा मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को अगर हम देखें तो दे डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। अब यहां पर वेलोसिटी का अपना एक मतलब बनता है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। वेलोसिटी कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मतलब बोथ ऑफ देम डिपेंड्स ऑन स्पीड कह सकता हूं। ऑल्दो मोमेंटम को अगर मैं कहूं तो मोमेंटम तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, नहीं करता, मोमेंटम तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, बट काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर आपके स्पीड को हम चेंज करें तो बेटा विदाउट एनी डाउट स्पीड चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और साथ साथ मोमेंटम भी चेंज होगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, है ना। तो इसी का मतलब कि जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, तो देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बिकॉज बोथ आर डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। एटलीस्ट दोनों मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर रहे हैं, ये बात तो सत्य है। हाँ, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, ओनली मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, तो वो एक अलग फैक्टर है। बट मैग्नीट्यूड वाइज तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों डिपेंड करता है ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि सर हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी लिखा। बच्चे इस पूरे टर्म को हम एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर लें, कर सकते हैं ऐसा? हाँ भाई कर सकते हैं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को बच्चे हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम, और एम वी का स्क्वायर होगा क्या, तो मास इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम, तो हेंस मोमेंटम पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, इसका मतलब अगर मुझे मोमेंटम निकालना हो तो आई कैन राइट इट 2m मल्टीप्लाइड बाय k। सुनो, पहली बात सर कि हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इनटू m इनटू v का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी विदाउट एनी डाउट। अब अगर मान लो कि मैं इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म बाय m, m से मल्टीप्लाई कर लो, m से डिवाइड कर लो, तो m एंड m विल मल्टीप्लाई टू बिकम m स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको मैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में जो m है वो एज इट इज रहेगा। एम स्क्वायर वी स्क्वायर इसका मतलब है so why m, v... because beta I want to find out the relation between kinetic energy and momentum, for that purpose I am doing this। नहीं बात समझ में, अगर if you will not multiply with m, if you don't want to multiply it with m, if you want to multiply it with v, मान लो अगर आप कर लो if you multiply it with v, kinetic energy is equal to half mv square multiply and divide it by v, तो ये क्या बन जाएगा, ये half mv का cube divided by v बन जाएगा, और mv cube as such there is no quantity which is mv cube, है ना। तो इसलिए अगर हम v से multiply करेंगे तो कोई benefit नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा idea बना कि सर अगर m से multiply करके देखते, देखो ये सारे काम लोगों ने ना बड़ी मेहनत से किए हुए हैं, आपको तो जो ये बताया जा रहा है कि भाई ये results है, बट ये लोगों ने कर करके देखा है एंड दे हैव कम टू द कंक्लूजन दैट कि ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। तो बस वो आप तक आपको ये बात समझाई जा रही है कि बेटा ऐसा अगर आप कर लोगे आप भी तो आपको ये रिलेशन दिख जाएगा बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम, ठीक है। तो टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद एम। किसी ने ऑब्वियसली करके देखा है एंड दैट इन्फॉर्मेशन हैज बीन पास्ड टू अस एंड आई एम पासिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू यू कि भाई अगर आप ऐसा कर लोगे तो यू विल बी एबल टू गेट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इज इट क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए सर, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सर मैग्नीट्यूड के लिए, मतलब अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो तब तो ये तब तक का ये रिलेशन वैलिड है, लेकिन अगर जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेंगे ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा ना? नहीं, डायरेक्शन चेंज का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज में भी ये रिलेशन वैलिड रहेगा प्रोवाइडेड कि मैग्नीट्यूड हैज चेंज्ड। नहीं, यही बात समझ
सर मतलब हर्षित, डायरेक्शन चेंज में भी ये रिलेशन एप्लीकेबल है प्रोवाइडेड कि मैग्नीट्यूड मस्ट चेंज, समझे? यस। अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रही है एंड ओनली द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो फिर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मैं सर्कुलर पाथ, आपको याद होगा ना एक सर्कुलर पाथ वाले चीजें हमने पढ़ी हैं, इसमें अगर आप देखो तो एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। तो अगर मुझसे कहे कि कोई कि सर क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है, यस मोमेंटम एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग बट डायरेक्शन वाइज, ऑब्वियसली डायरेक्शन वाइज। बट अगर मुझसे कोई कहे दे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, मैं कहूंगा नहीं, एज लॉन्ग एज द बॉडी इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड देर इज नो काइनेटिक एनर्जी चेंज। मतलब यहां पर अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो हाफ एम वी स्क्वायर, यहां पर भी लिखूं तो हाफ एम वी स्क्वायर, यहां पर भी लिखूं तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो एट एवरी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज सेम बट एट एवरी पॉइंट मोमेंटम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉइंट, द रीजन बीइंग कि इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। क्लियर है सर? वहां पर तो स्पीड होना चेंज, मैं सॉरी, हां स्पीड होना चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड होना चेंज हो रहा है वेलोसिटी का सर्कुलर मोशन में, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना मोमेंटम में। याद रखो ना, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। नहीं सर, आपने बोला कि दोनों को चेंज होना चाहिए तभी ये रिलेशन वैलिड होगा। नहीं, मैंने ये बोला कि रिलेशन जो है ये वाला वो तब आएगा, मतलब आप इस रिलेशन को तब आप अप्लाई कर सकते हो जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। डायरेक्शन इज नॉट अ थिंग, डायरेक्शन चेंज ना भी हो या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड शुड ऑल्सो चेंज, अदरवाइज आपके मोमेंटम में चेंज आएगा बट काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो होगा। नहीं आ रही बात समझे? आरी सर, ये बता दीजिए कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब आपने चमत्कार कर दिए। ये सर चमत्कार कर दिया सर, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपने बोला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर हम सॉरी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज कर दे तो ये रिलेशन वैलिड है। सपोज हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया। नहीं, आपने समझा गलत बेटे, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। इसको बात दोबारा फिर से रिकॉर्डिंग में सुन लेना, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, ऐसा मैंने बोला ही नहीं है यार। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो फिर मैंने सबसे पहले बिना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताए हुए मैंने ये तो आपको बताया था, याद करो मैंने आपको ये बताया था ना, विदाउट फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि इस केस में मोमेंटम विल चेंज बट द काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। अगर इस केस में तुमसे कोई पूछ ले कि भाई काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है तो आप कहोगे जीरो, और इस केस में कोई पूछ ले मोमेंटम का चेंज कितना है तो ये मैंने करवाया हुआ है 2mv होगा, है ना, ये लॉज ऑफ मोशन में मैंने ऐसा करवाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने के लिए मैग्नीट्यूड का चेंज होना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज आने के लिए मैग्नीट्यूड का चेंज आना जरूरी है, और ऑब्वियस ही बात है कि जब मैग्नीट्यूड चेंज होगी, ठीक है, तभी हम ये जो रिलेशन है ना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, दिस इज ए स्केलर रिलेशन, दिस इज नॉट अ वेक्टर रिलेशन, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर जो आप लिख रहे हो ना ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, इट इज अ स्केलर रिलेशन। कैसा रिलेशन है हर्षित? स्केलर रिलेशन, तो इट हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये स्केलर रिलेशन यूज ही तब होगा जब आपकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो। अगर ये वेक्टर रिलेशन होता तो फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के चेंज पर या सिर्फ डायरेक्शन के चेंज पर भी ये रिलेशन यूज होता। हर्षित, इज इट क्लियर बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है, तो दिस इज अ स्केलर रिलेशन। सो आप हमेशा याद रखें कि जब, इसीलिए मैंने बहुत शुरू ही में जब हमने फॉर्मूला ड्राइव भी नहीं किया तभी मैंने आपसे बोला था कि ऑल्दो हम वेलोसिटी कह रहे होते हैं बट हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी में हम बेसिकली स्पीड यूज करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी यूज करते हैं, एंड वी डोंट टेक द डायरेक्शन। उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलो सर, तो आपको ये दो रिलेशन समझ में आ गए कि काइनेटिक एनर्जी सिंपली इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर, और दूसरी चीज मैंने आपको ये बता दिया सर। दूसरी बात मैंने आपसे ये कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर रिलेटेड बाय अ स्केलर रिलेशन व्हिच सेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो इससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन मैं करा दूं जल्दी से, रफ्तार में, एकदम तेज रफ्तार तेज, ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है सर, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला गया कि इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 20% व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। नहीं सुन पाए, चलो, इफ
लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20% फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. मतलब अगर लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का 20% से इंक्रीज कर जाए तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा. ठीक है. अच्छा एक बात बहुत अच्छे से याद रखो बेटा कि आइदर इट बी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, वो चेंज तभी होगा जब मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी में चेंज आए, बिकॉज मास कैन नॉट चेंज. अब कंफ्यूज मत हो जाना कि पता नहीं क्या बोल रहा है ये बार बार. मास चेंज हो सकता है क्या? नो सर. मास तो वही रहेगा बेटा. न्यूटोनियन फिजिक्स में मास चेंज नहीं होता. मतलब जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं ना अभी 11th या 12th में जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें मास चेंज नहीं होता है. ठीक है. तो मास अगर चेंज नहीं हो रहा, या अगर हम आइंस्टाइन की भी फिजिक्स क्यों ना पढ़ लें जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, उसमें भी मास तब तक चेंज नहीं होगा जब तक स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट कंपेरेबल टू ए स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. जब तक आपके बॉडी की स्पीड बहुत कम है तो मास का चेंज आप कंसीडर नहीं करेंगे, मास में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इसका मतलब है मास तो कांस्टेंट है सर. अगर मास कांस्टेंट है और फिर भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, मास कांस्टेंट है और फिर भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. किसका? स्पीड का. वेलोसिटी यार तुम्हें, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कह लो, जो कह लो. तो मतलब वी चेंज हो रहा है ना, एम तो चेंज नहीं होगा. तो सर सीधा सीधी बात यह है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%. इसका मतलब है कि स्पीड इंक्रीज हो गई है बाय 20%, तभी मोमेंटम इस 20% से इंक्रीज हुआ है. नहीं आया भाई. स्पीड इंक्रीज हो गई होगी 20%, तभी तो मोमेंटम 20% से इंक्रीज हुआ है. सिंपल सी बात है ना सर. तो मान लो कि लेट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पी. अच्छा फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू पी प्लस जो इनिशियल वैल्यू है उसमें कितना इंक्रीज हो गया है 20% का. तो 20% ऑफ पी, या तुम सन्नाटे में चले गए ईशिका, बात समझ में आई भाई. पी इज द मोमेंटम और वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो इट हैज इंक्रीज बाय 20%. तो 20% ऑफ पी और ऐड कर दोगे ना ईशिका, टेल मी यस और नो. तो पी प्लस ऑफ 20/100, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो ना ऐसे, तो ये हो जाएगा 20/100. मतलब ये हो जाएगा p final. अगर आप देखो तो ये हो जाएगा p plus of p by 5. तो p final can be written as equal to 6p by 5. ये तो आ गया आपका final momentum, और initial momentum आपने p माना हुआ है. ठीक है. अब आते हैं सर, what will be the kinetic energies. ये तो initial momentum p है, तो अगर मुझसे कोई पूछे initial kinetic energy तो वो क्या होगा? p square by 2m, without any doubt. अभी हमने formula पढ़ा था. इसी तरह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल मोमेंटम विच इज 6p बाय 5 का स्क्वायर, समझ में आना चाहिए भाई आपको, डिवाइडेड बाय 2m, है ना. कहां से नहीं आया समझ में सर? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन से ही नहीं समझ में आया. चलो फिर से सुनो. इनिशियल मोमेंटम को हमने बेटा p मान लिया, ठीक है, कुछ मान लिया. तो अब हमसे कहता है क्वेश्चन में कि इसमें 20% का इंक्रीज हो गया है, मतलब जितना है उसमें और कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 20%, है ना. तो फाइनल मोमेंटम आप क्या लिखेगा? इनिशियल वैल्यू प्लस ऑफ 20%. ठीक है, यही तो करते हैं ना. तो 20% किसका? इसी इनिशियल वैल्यू का 20% और ऐड कर लीजिए, यही तो होगा ना. तो इनिशियल वैल्यू प्लस ऑफ उसी इनिशियल वैल्यू का 20% और ऐड कर देना है. अब परसेंट को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, ये पढ़ाया गया होगा आपको बचपन में मैथमेटिक्स में, फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज बताया गया होगा ना. तो परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, याद आया? यस सर. तो बस ये कुछ नहीं किया, बस बाकी मैथमेटिक्स है. पी प्लस ऑफ 20/100 पी ये करोगे तो 6p/5 आ जाएगा. अब हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है? तो वो है पी स्क्वायर बाय 2m. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब मोमेंटम पी था तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर बाय 2m. इसी तरह से जब आपका मोमेंटम 6p बाय 5 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? 6p बाय 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? टेल मी. यस सर. ठीक है. तो इसका मतलब इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, देखो देखो ध्यान से, 36 by 25, है ना, पी स्क्वायर बाय 2m. ऐसे भी लिख लें, जैसे लिख लें, 25 into 2 कर देंगे 50 आ जाएगा. कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो.
तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां तक क्लियरिटी है? यस सर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या हुआ? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पी स्क्वायर बाई टू एम कॉमन आ जाएगा, 36 बाई 25 माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। अगर आपको समझ में आए तो पी स्क्वायर बाई टू एम 36 में से 25 घटा दो तो 11 तायरा, इशिका, विभूति है या नहीं है मुझे नहीं पता, विभूति, जानवी, सक्षम, तारिक, यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। तो हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना था? परसेंटेज चेंज। तो हमेशा याद रखो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, कल भी बताया था शायद किसी क्वेश्चन में, कल या परसों मुझे याद नहीं। परसेंटेज चेंज निकालने का मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, क्योंकि जब भी कोई चेंज देखा जाता है ना तो वो इनिशियल के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। तो ये चेंज कितना आया डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? तब वैल्यूज रख दो, पी स्क्वायर बाय 2m चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 11 बाय 25 ये चेंज आया है, डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था तो इनिशियल पी स्क्वायर बाय 2m था मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सॉल्व कर लो जो भी आ जाए इससे। 44% बिल्कुल सही। डन? यस। नो सर। नोट करिए। अब हो गया? यस सर। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। अब इसी का दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूं मैं? मैंने मोमेंटम का चेंज अगर पूछ लिया तो दूसरा क्या पूछ सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछ सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 300% बाय व्हाट परसेंटेज by what percentage its linear momentum will increase? करिए, कोशिश करेंगे आप? Yes, sir. यहाँ yes, पर sir. उल्टा कर yes, दिया sir. मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करा दिया है और मोमेंटम का परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा हूं।
Yes, Arshit, your answer is correct. सर इसमें उल्टा कर लेना है कि अगर आप ऐसा मान लें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी द वैल्यू ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप मान लो कि के है, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के है, तो आपसे कहता है 300% का इसमें इंक्रीज आ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट इट एज के प्लस ऑफ 300% ऑफ के, यही तो लिखेंगे आप। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी यू विल राइट इट एज के प्लस ऑफ 300 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय के, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ के। ये आ जाएगा आपके काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू, इनिशियल एंड फाइनल की वैल्यू इतनी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के है और काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 4k, ठीक है। अच्छा, आपको अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो मोमेंटम भी लिख सकते हो। मोमेंटम का रिलेशन आपको याद है कि मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई के, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू सक्षम थ्री इज वॉट, सक्षम थ्री का क्या मतलब? 4k। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 8 टाइम्स ऑफ एम इंटू के, या आ गया फाइनल एंड इनिशियल। तो 3% और 300% सक्षम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, दैट इज 8mk माइनस ऑफ अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम के। ऐसे ही तो लिख सकते हैं बच्चों, हाँ ना बोलो? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 8mk को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ट्वाइस ऑफ रूट 2mk माइनस ऑफ अंडर रूट 2mk। 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूं क्या? क्या हो गया सर? यस सर, यस सर। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू व्हाट? चेंज जो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इस चेंज में हम ये कह सकते हैं अंडर रूट 2mk मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं आप? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू अंडर रूट 2mk मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अंडर रूट 2mk एंड 2mk कैंसल्स आउट, तो ये 2 - 1 इज 1 इनटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू 100%। ये आपका आंसर है। सक्षम, तुम्हारा आंसर गलत क्यों हो गया? दिस इज बेसिकली द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। भैया आपको इनिशियल वैल्यू लिखना है, फाइनल वैल्यू लिखना है, यही तो करना है। सर मैंने थोड़ा अलग बेस से किया था, तो इसलिए गलत हो गया। बेस चाहे जितना भी अलग हो, गलत ना हो बस। चलिए ठीक है, नोट कर लो, कुछ आइडिया बन गया कि इफ यू नो द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम यू कैन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यस, आगे बढ़ूं यहां तक अगर सबने नोट कर लिया हो तो? वेट सर। ओके, डन सर। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, सबने नोट कर लिया, मैं इरेज कर दूं? तायरा? यस सर। नोट इरेज कर दूं बच्चे? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। तो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑन विच वी सॉल्व्ड टू ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट, राइट। अब दूसरी बात सुनो कि एक थ्योरम है जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, और ये 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। यू कैन बी आस्क्ड टू ड्राइव दिस थ्योरम, या यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस थ्योरम कि भाई व्हाट इज दिस थ्योरम, ठीक है। तो लिख लो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए सर, इसका जो एक्चुअल क्रक्स है वो तो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, बट फिलहाल चूंकि हम वन बाई वन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कि मैंने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर लिया है, तो उसके साथ साथ ही ये थ्योरम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ही रिलेशन है यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसके बाद ही कर रहा हूँ। बट ये समय के साथ साथ आपको ये और क्लियर होता जाएगा। समय मतलब टाइम, टाइम के साथ साथ ये आप
कि ये जो थ्योरम है उसकी क्लैरिटी आपको और बढ़ेगी, ठीक है, कि कब ये थ्योरम अप्लाई करते हैं या क्यों अप्लाई करते हैं या कैसे अप्लाई करते हैं, ये टाइम के साथ साथ आपको इसकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। बट फिलहाल अभी ये सुन लो कि व्हाट इज दिस थ्योरम। तो देखो बेटा, अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, तो उस पे एट अ टाइम, ये जरूरी नहीं कि देयर विल बी ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ फोर्सेस विच विल बी एक्टिंग ऑन द बॉडी। कुछ भी, कितने भी फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं बॉडी पर एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही टाइम पर बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, और जितने फोर्सेस एक्ट करेंगे सारे फोर्सेस कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, ठीक है। फिर से मेरी बात सुनिए कि जितने फोर्सेस किसी भी बॉडी पे एक्ट करेंगे सारे फोर्सेस कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, और एक फोर्स के वर्क को दूसरे फोर्स के वर्क से कोई लेना देना नहीं है। सारे फोर्सेस जो वर्क करते हैं वो एक दूसरे से इंडिविजुअली कर रहे होते हैं, एज इफ कि देयर इज नो अदर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पर कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मैं धक्का दे रहा हूं इसको, और यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग रहा है, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क कर रहा होगा, फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा होगा। नहीं आ रही बात समझ में? एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क कर रहा होगा और फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा होगा, समझ रहे हो? इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं, एक और अरेंजमेंट लेता हूं, मैं आपसे ऐसे कहूं कि देखिए बेटा कि ये जितने फोर्सेस है सब वर्क करते हैं। मान लीजिए कि इस बॉडी को मैंने स्प्रिंग के साथ ऐसे बांध रखा है, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया, एफ एक्सटर्नल भी लगा दिया, इस पे फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, इस बॉडी में मास भी है, तो एक ग्रेविटी का भी फोर्स लग रहा होगा mg। तो मुझे बता सकता है यहाँ पर कितने फोर्सेस हैं जो बॉडी पे वर्क कर रहे होंगे? हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर व्हिच वुड बी परफॉर्मिंग वर्क ऑन द बॉडी एट द सेम टाइम? फोर। एक तो फ्रिक्शन हो गया, एक mg हो गया, एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और जब बॉडी को आप ऊपर ले जाओगे तो स्प्रिंग भी तो इलोंगेट होगी। तो बेटे आपको मैं एक बात बता दूं कि स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स होता है जिसको रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, जिसपे हम डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। हाँ बेटा, एक नॉर्मल रिएक्शन पे लगेगा। हाँ आते हैं उस बात पे। पहली बात, स्प्रिंग में भी फोर्स होता है, तो जब आप बॉडी को ऊपर ले जाओगे ना तो ये स्प्रिंग नहीं चाहेगी कि बॉडी ऊपर जाए, ये स्प्रिंग का फोर्स भी लग रहा होगा इस पर, वो नीचे लगेगा। इसका मतलब एट ए टाइम अगर आप देखो तो ये यहाँ पर देखो, एक फ्रिक्शन का फोर्स, एक स्प्रिंग का फोर्स, एक एमजी का फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स, चार फोर्सेस हैं जो वर्क कर रहे हैं। अब जैसे ये हर्षित कह रहा है कि सर नॉर्मल भी तो है, बट बेटा जिस डायरेक्शन में मैं मूव करा रहा हूँ बॉडी को, उस डायरेक्शन में नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो है ना। यस सर, यस। क्योंकि अगर मैं बॉडी को इधर डिस्प्लेस करा रहा हूं, तो इसलिए नॉर्मल को कंसिडर नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। इसका मतलब एट ए टाइम बॉडी पे जितने फोर्स होते हैं ऑल ऑफ देम परफॉर्म्स वर्क ऑन द बॉडी। और सर जब सारे फोर्सेस बॉडी पे वर्क करेंगे तो ये फोर्स करेगा क्या? बॉडी पे वर्क करेगा तो ये वर्क जो आप बॉडी पे कर रहे हो उसके कारण क्या होगा? तो उसके कारण इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। मान लो कि यहां पर बॉडी की वेलोसिटी जीरो थी, जब ये सारे फोर्सेस वर्क करेंगे तो ये बॉडी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी बच्चे? क्योंकि बॉडी मूव करेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। नहीं आ रही बात समझे? और फोर्स का वर्क ही तब माना जाएगा जब बॉडी मूव करे। तुम क्या हो गया? अरे वर्क डन बाय फोर्स आप कब अज्यूम करोगे, कब कहोगे कि फोर्स इज परफॉर्मिंग वर्क? व्हेन द बॉडी विल बी डिस्प्लेस्ड। अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई तो कोई वर्क ही नहीं होगा। तो अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, देन ओनली यू विल गेट सम वर्क ऑन द बॉडी। इज इट करेक्ट और नॉट? टेल मी यस और नो। यस सर। तो बॉडी पे जितने भी फोर्सेस वर्क करते हैं ऑल ऑफ देम चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट? तो ये जो हमारा थ्योरम है जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, ये सिंपली ये कहता है कि वर्क डन या सम ऑफ ऑल द वर्क डन बाय द फोर्सेस व्हिच एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब ये सारे फोर्सेस का जो वर्क है अगर हम सबको एड कर लें तो इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी टू दैट ऑफ द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या मतलब सर? मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट कि ऑब्वियसली वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए सिंपली मैं सब सम कह रहा हूं, या आप कह लो एल्जेब्रिक सम, बिकॉज वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ डब्ल्यू डी मतलब वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस by all the forces acting on the body
is always equal to change in KE, मतलब kinetic energy of the body. इसको हम अभी प्रूफ करेंगे, बट ये ऐसे आप जितना भी वर्क कर रहे हो वो सारे के सारे जो वर्क है उनका सम ले लूं तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा. अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है तो हम कहेंगे कि सम ऑफ ऑल द वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू जीरो. अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज नॉन जीरो है तो हम कहेंगे कि जितने भी वर्क हो रहे हैं वो सब ने क्या किया है, बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया है, तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द फोर्सेस का सम इज नॉन जीरो इन दैट केस. क्या ये थ्योरम सबको क्लियर है? प्लीज टेल मी यस और नो. अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, बट स्टेटमेंट क्लियर हो गया सबको कि व्हाट इज दिस वर्क एनर्जी थ्योरम ऑल अबाउट. It is simply saying that कि the work done by all the forces का अगर हम sum ले लें तो that will always be equal to change in kinetic energy. आप ध्यान से सुनिए मेरी बात सर, अब यहाँ के बाद आगे की बात सुनिए. अच्छा मैंने ये बार बार एक बात रिपीट की है, work done by all forces. जरूरी नहीं बेटा कि बॉडी पे एक ही फोर्स लगे, एट अ टाइम बॉडी पे n नंबर ऑफ फोर्सेज हो सकते हैं और सारे फोर्सेज का इंडिविजुअली वर्क होगा बॉडी पर और वो जो सारे वर्क है उसका सम अगर मैं ले लूं तो उसकी ये बात हो रही है. अच्छा अब आते हैं दूसरी बात पे कि भाई इसका प्रूफ करते हैं. फिर से मैं दो तरह से इसके प्रूफ को कर सकता हूं, टेकिंग द फोर्स एज कॉन्स्टेंट एंड टेकिंग द फोर्स एज वेरिएबल. तो दो तरह से मैं काम कर सकता हूं. मान लो कि मैं कॉन्स्टेंट फोर्स, आसान पड़ेगा आपको, फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स मैं दोनों का सिखा देता हूं. बट अगर मान लो कि एक कॉन्स्टेंट फोर्स लगाया किसी बॉडी पर, बॉडी का मास एम, फोर्स एफ, मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू है, मैं जीरो नहीं ले रहा हूं, यू ले लेते हैं. और मान लीजिए कि ये बॉडी को इस फोर्स ने मूव कराया विद सम वेलोसिटी वी, इट हैज चेंज इट्स वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इज दिस. ठीक है बच्चे, तो एक बात बताइए कि क्या मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को ऐसे लिख सकता हूँ हाफ इनटू एम यू स्क्वायर? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, आप लोग शांत हो गए. हाँ सर, हाँ सर. और काइनेटिक एनर्जी फाइनल को मैं लिख सकता हूँ हाफ इनटू एम इनटू वी स्क्वायर. चलो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लेते हैं, मतलब हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर. तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इट कैन इवन बी रिटन एज हाफ इनटू एम, दिस विल बी रिटन एज वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर. यस सर. थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे ना, थोड़ा सा जोर डालो, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए एस. डाला आपने जोर? यस सर. नहीं डाला सबने. सिंस v square is equal to u square plus of 2as होता है. Yes sir. ठीक है, तो यहां से हम ये 2as की वैल्यू को v square minus of u square तो लिख ही सकते हैं. Yes sir. तो यही ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये 2as हो गया. यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट करिए. आई नीड अ स्पेस सर. ये सिर्फ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, बाकी जैसे पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी इसमें नहीं आएगा? नहीं नहीं, इट विल ओनली बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सर यहां पे हम वो ऑब्जेक्ट को प्लेन पे चला रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को प्लेन से हटा तो नहीं रहे? ऑब्जेक्ट को कहीं भी चला लो, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी चला लो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल ओनली बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सर तो उसकी उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी फिर? आएगी, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको, सब आएगा. यहां तक नोट कर लिया? ठीक है, तो अब इसका अगर आगे का स्टेप मैं दिखाऊं आपको, तो अनडाउटेडली आपको ये दिख रहा होगा कि 2 विल कैंसिल आउट बाय 2, तो 2 एंड 2 गोज, व्हाट इज लेफ्ट इज कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम इनटू ए इनटू एस. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन. ये है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. ये आपको थ्योरम दिखाई दे गया कि भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वर्क डन. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया? सिंपली वर्क डन के बराबर. वी हैव प्रूव्ड इट.
आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम वर्क करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी को भी तो चेंज करता है। तो देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क की अगर मैं बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला सेम ही होता है, समझ में, विद अ स्लाइट डिफरेंस। वो डिफरेंस मैं बताऊंगा जब विल बी डीलिंग विद द पोटेंशियल एनर्जी, बट फॉर्मूला सेम ही होता है। नहीं समझे? यस सर, यस सर। तो आइदर यू कंसीडर द वर्क डन इन द केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और यू कंसीडर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम वर्क ले लें, उस फोर्स का भी वर्क ले लें जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर रहा है, उसका भी हम सिर्फ वर्क ही कंसीडर करें, तो उस वर्क का भी सम लेंगे ना, तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आएगा। वो आएगा आपको समय के साथ, इसलिए मैंने बोला था कि टाइम के साथ साथ ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड दैट, कि ये फैक्ट है कि जितना भी वर्क हुआ है वो सारा का सारा वर्क विल सिंपली बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम बाय सिंपली टेकिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डन? यस। अच्छा सर, यही टाइम पास बात, अगर फोर्स वेरिएबल हो जाता तो क्या होता, तो कैसे करते है? यही करते हम फॉर वेरिएबल फोर्स। अगर इसी चीज को वेरिएबल फोर्स के लिए ड्राइव करते, फॉर वेरिएबल फोर्स, तब भी तो हम यही करते हैं ना। मान लो यही बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इट बिकम्स v, मास m है, आपने फोर्स लगा दिया विच इज वेरिएबल, ठीक है भाई ईशिका, समझ में आ रहा है सबको? Yes, जानवी, जानवी तुम तो साइलेंट जोन में हो। Yes, समझ आ रही है बात आपको? Yes, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम वर्क कैलकुलेट करते तो वर्क कैसे लिखेंगे, यही लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। अभी जो करा है ना वो बिल्कुल सेम चीज है ये, इसको हम लिखेंगे एम इंटू ए इंटू डी एक्स। फिर से वही बात, इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू वी डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। अभी बताया था कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। तो सर यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया सर, तो ये वर्क डन क्या आ गया सर, वर्क डी डब्ल्यू क्या आ गया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एंड दिस विल बी वी डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो ऐसे ऐसे। इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आपने यू अज्यूम करा है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वैल्यू को आपने वी अज्यूम करा है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आ गया डब्ल्यू इंटू एम इंटू वी डी वी का इंटीग्रेशन आपने करना है कहां से कहां तक, यू से वी तक, यू से वी तक यही इंटीग्रेशन करना है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एम इंटीग्रेशन विल बी वी स्क्वायर बाई टू यू टू वी। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे वी स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट रखा माइनस ऑफ लोअर लिमिट यू स्क्वायर बाई टू। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर वर्क डन। अगेन वही आ गया काइनेटिक एनर्जी, हां जी तो ऐसे डिराइव किया था ना, बिल्कुल बिल्कुल वही वही चीज है, जस्ट उसमें हमने वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी लिख दिया था, यहाँ पर हमने वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के बराबर शो किया। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि कहते पहले भी हमने काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो वर्क से डिराइव किया था, बस बिल्कुल था कि हमने शुरुआत में लोअर लिमिट जीरो ले ली थी। यहाँ पर भी लोअर लिमिट जीरो हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाए तो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, फाइनल वी हो गई, तब भी वही चीज आएगी, मतलब वही जो पहले ड्राइव किया वही अभी भी है ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। इसलिए मैं कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू ले लिया ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं है। अगर इसको जीरो कर दूंगा तो भी वही बात आएगी बेटा। सर हाँ जी बताइए। सर इधर इंटीग्रेशन से यूज किया समझ में नहीं आया। इंटीग्रेशन इसलिए यूज किया, देखो टॉपिक पे ऊपर पढ़ो क्या लिखा है मैंने, और वेरिएबल फोर्स होता है तो हाउ डू यू कैलकुलेट द वर्क डन बेटा, कल सीखा था। यस सर, है ना, इंटीग्रेशन ही तो करते हैं ना, व्हेनेवर यू हैव वेरिएबल फोर्स तो यू यूज इंटीग्रेशन, तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे याद रख सकते हैं आप कि फॉर कांस्टेंट फोर्स आप बिना इंटीग्रेशन के चीजों को सॉल्व करेंगे, और जब वेरिएबल होगा तो आपको इंटीग्रेशन का टर्म दिखाना पड़ेगा, बस यही है। यस सर, आई होप ये थ्योरम समझ में आ गया, तो मैं आगे बात करूं। यस सर, ठीक है। तो चलो आपको ये बात अभी फिलहाल क्लियर है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज सिंपली सेज दैट कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ फोर्स हो,
तो वर्क डन बाय ऑल दोस फोर्सेस विल बी सिंपली इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मतलब अगर आप किसी भी फोर्स के लिए वर्क निकालना चाहते हो और वो फोर्स की वैल्यू आपको नहीं गिवन है बट वेलोसिटी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज विल गिव यू द वर्क डन. जैसे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेता हूं, पूछते हुए शर्म आ गई बट क्या करें. मान लीजिए कि आपसे मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई एक बॉडी है जिसका मास मान लो बच्चे की ये 4 किलोग्राम एंड इट वॉज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. इट वॉज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. इस पे मैंने फोर्स लगा दिया, ठीक है, और इस बॉडी पे फोर्स लगाया, ये 4 किलोग्राम ही मास रहेगा बट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम बिकेम 10 मीटर पर सेकेंड. आपको बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, हाउ मच इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी. मैंने आपको ना तो फोर्स बताया है ना तो मैंने आपको ये बताया कि हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 6 to 10. ये भी मैंने आपको नहीं बताया. मैंने सिंपली ये बताया कि साहब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, द इनिशियल इज गिवन, द फाइनल इज गिवन, और आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स. कैसे करोगे, जल्दी आंसर बताओ. ओरल क्वेश्चन 128 जूल. गुड हर्षित. और कोई सर? सेम सर, सेम मतलब. अच्छा, हर्षित का जो आंसर है वही. यस, ओके. क्या हुआ ईशिका, ताहिरा, तारिक, आप लोग भी बताएंगे आंसर. बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्लास 9th के लेवल का. अभी आपको मैंने थ्योरम बता दिया बच्चे, कुछ नहीं करना है इसमें. यू नो द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, यू नो द फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मतलब यू नो द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यू नो द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ओके जानवी भाई, अभी हमने पढ़ा कि वर्क डन होता क्या है. तो वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अभी पढ़ाना बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. सर अब आप कहोगे कि सर हम कैसे समझें कि यहां पर यह लगाना है. इसलिए आप ऐसा समझो क्योंकि अगर आप नॉर्मल मेथड लगाते हो कि साहब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप भाई दिमाग में पहली बात जो स्ट्राइक करेगी ना एग्जाम में वो तो यही करेगी ना कि भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट द मोमेंट दिस फॉर्मूला विल स्ट्राइक इन योर माइंड, उस वक्त आपको ये सोचना है कि क्या मुझे फोर्स गिवन है, नहीं गिवन है, क्या डिस्प्लेसमेंट इज नोन, नहीं पता है सर, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला हियर. तो आप दूसरा दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि भाई वर्क का एक और कॉन्सेप्ट था कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिख रही है हमें? हाँ दिख रही है, क्योंकि मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है. अब देखो एक बात यह है बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं. अब एक बात यह है कि सर ऐसा नहीं है कि अभी मैंने करा दिया और बिल्कुल ये हमेशा याद रह जाएगी बात. ऑब्वियसली वो टाइम के साथ साथ विथ प्रैक्टिस आपको चीजें याद होनी शुरू होंगी. तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप keep on practicing questions from your NCERT and the assignment which we provide to you. तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको चीजें समझ में आएंगी कि which formula should be used in what sort of question. भाई यहाँ पर force into displacement भी work है, kinetic energy का change भी work है, तो फिर हम कैसे समझेंगे सर? तुम्हारा तो यही काम है इसलिए तुम बता देते हो सर, हमको कैसे याद रहेगा? तो प्रैक्टिस के साथ याद रहेगा और थोड़ा तो IQ लेवल भी होना चाहिए ना, obvious ही बात है. तो खैर तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा सर? वर्क डन इज इक्वल टू मेरे बच्चे हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 72, राइट? तो ये हो गया 128 जूल. सिंपल, कोई कष्ट वाली बात नहीं है. ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखता हूं तुम्हें समझ में आता है या नहीं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैंने आपसे बोला कि साहब ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास फिर से मान लो 4 किलोग्राम. दिस बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड ऑन दिस सरफेस देयर इज अ फ्रिक्शन जिसका मैं कोफिशिएंट वोफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रहा हूं आपको, ठीक है? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज नॉन जीरो ऑन द सरफेस. मतलब देयर इज फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है? आपसे मैंने कहा कि फाइनली द बॉडी कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर सम टाइम बिकम्स जीरो.
क्योंकि बेटा इसमें फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन विल रिटार्ड द बॉडी एंड आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बिकम जीरो बिकॉज इस बॉडी पे कॉन्टिन्यूस फ्रिक्शन का रिटार्डेशन लग रहा है. तो आपका क्वेश्चन ये है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट. फ्रिक्शन ने कुछ वर्क तो किया ही होगा ना, चाहे रिटार्ड ही करे, बट रिटार्ड करने में भी तो उसने वर्क करा है. अगर आप एक्सेलरेट करने में वर्क होता है तो रिटार्ड करने में भी वर्क होता है भाई. अगर आप किसी बॉडी के मोशन के ऑपोजिट काम करेंगे तो भी वर्क होगा. आगे आंसर. मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं एंड यस हर्षित सक्षम एंड इशिका ऑल थ्री ऑफ यू हैज गिवन मी द सेम आंसर. वेरी गुड. तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं. फिर से देखो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट नोन टू यू पहली बात एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज नॉट नोन टू यू. वर्क का पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बट नाइदर यू नो द वैल्यू ऑफ फोर्स नॉर यू नो द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Hence you cannot apply the first formula. अब आते हैं फिर कैसे लिखें वर्क को. तो सर आप दूसरा दिमाग में आया कि क्या हम एनर्जी का चेंज यहां पर देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का. यस देख सकते हैं. इनिशियल वेलोसिटी इज 10, इसका मतलब आई नो द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल वेलोसिटी इज 0, इसका मतलब आई नो द फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0. तो भाई हमें मालूम है कि वर्क डन बाय फोर्स मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज विच इज ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकॉज यहां पर सिर्फ एक फोर्स है तो एक ही फोर्स का वर्क डन होगा. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज बेटा 0 बिकॉज द फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस ऑफ हाफ इंटू मास इंटू 10 स्क्वायर्ड. तो अगर आप देखें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 2 तो ये माइनस ऑफ 200 जूल और निगेटिव आया और आना भी चाहिए था. अगर आप ध्यान से देखो तो बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ऑब्वियसली बात है कि सर यहां से हमें दिख रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हेंस द वर्क शुड हैव बीन नेगेटिव और ये नेगेटिव आ रहा है. सबको क्लियर है? हाँ ना बोलो. यस सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम विभूति एंड ताहिरा एंड तारिक. प्लीज आप लोग भी स्पीड बढ़ाएं और कोशिश करें सॉल्व करने की. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे इन तीनों से चाहिए. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. मान लो कि दिस इज अ स्फेरिकल बॉडी है. मान लो ये बॉडी है जिसका आप साइज नेग्लेक्ट कर सकते हो. ये कोई बॉडी है जिसका साइज नेग्लिजिबल है, ठीक है. और इसका मास ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, ठीक है. मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 2 किलोग्राम विदाउट एनी डाउट, ठीक है. और ये बॉडी यहां से ड्रॉप कर दी गई है. इनिशियल वेलोसिटी 0. ये बॉडी यहां पर स्ट्राइक जस्ट स्ट्राइक करते टाइम पे यहां पर इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड. व्हाइल इट स्ट्राइक्स द सरफेस द ताहिरा इट्स नॉट पॉसिबल टू शो यू द प्रीवियस. देखता हूं मैं प्रीवियस स्लाइड में दिखा पाऊंगा या नहीं. एक मिनट. जल्दी देखो ताहिरा. डन सर. ठीक है. ओके द टाइम विच व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस, इट स्ट्राइक्स द सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. और मान लो दिस बॉडी हैज बीन ड्रॉप डाउन from a height of 20 meter. This body is dropped from a height of 20 meter. ये तो कहानी हो गई यहां तक. कोई कष्ट, कोई दिक्कत? ठीक. अब आपसे ये कह रहा है कि there is a resistive force which is acting on the body. ठीक है. अच्छा इस पे कौन-कौन से force हैं? अभी जब ये body is dropped down, which force is attracting the body towards the surface of the earth? Gravity. Gravity. Gravity, mg.
है ना, विदाउट एनी डाउट द फोर्स इज mg. बट आपसे ये बोला कि एक रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस, एक एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा है. और रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है बेटा कि दैट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. बट आपको इस एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है, समझ रहे हो आप? एयर के रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको नहीं पता है, मतलब ये फोर्स आपको नहीं पता है, ठीक है? और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन द बॉडी, ठीक है? मतलब ये जो फोर्स आपको नहीं पता उसका वर्क निकालना है आपको. कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ फोर्स. बट वेन यू डोंट नो द फोर्स हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बेटा? हाँ बोलो, किसी और ने बोला इस, sir. हाँ बताइए. इसमें वर्क डन की वैल्यू तो नेगेटिव आनी चाहिए. किसकी? वर्क डन बाय रेजिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए. यस, आना चाहिए. सर इसमें पॉजिटिव आ रहा है. अच्छा, और कोई? हियर इज ओनली वन और मोर देन वन फोर्सेस. दो फोर्सेस है. क्या क्या फोर्स है? एक ग्रेविटी है, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है? हाँ भाई साहब, सक्षम. अब देखो इशिका, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? देयर आर टू फोर्सेस, राइट? वन इज एयर रेजिस्टेंस हुज वैल्यू इज अननोन टू मी, एंड द अनदर इज mg हुज वैल्यू इज नोन टू मी, एंड द वर्क डन बाय बोथ ऑफ दीस फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इज इट क्लियर इशिका? यस सर. तो व्हाट वी राइट? वी राइट वर्क डन बाय mg प्लस ऑफ वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस is equal to change in kinetic energy. चलो work done by mg क्या होगा? तो mg work done, तो ये होगा m into g into h. कैसे सर? mg is the force and h is the displacement of the body. प्लस ये तो हमें पता ही नहीं है work done air resistance का, तो वो तो ऐसे ही रहेगा, is equal to change in kinetic energy. Is it clear or not? ये mg h कैसे हुआ? Work done by gravity, is it clear to all? Because जो force है mg होता है ना force. Yes, work done mg into displacement आएगा. तो 2 multiplied by 10 into height is 20 plus of work done by air resistance which we have to find is equal to change in kinetic energy. तो final kinetic energy will be equal to half into m into v का square which is 50 squared minus of 0 because here the initial velocity is 0. ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये 20 into 10 is 200. 200 into 2 is 400 plus of work done by air resistance. I hope आपको समझ में आ रहा है. और ये कितना आ जाएगा? 2500. Am I correct? बोलो. Yes sir. सबको यहां तक क्लैरिटी है? Yes sir. Yes. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए. तो ये कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो दिस इज इक्वल टू 2500 माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू 2100 जूल. ठीक है, इट शुड हैव बीन नेगेटिव बट बिकॉज ऑफ माय डेटा इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव. डेटा मैंने बहुत ज्यादा ले लिया बिकॉज देखो रेजिस्टेंस फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट.